असलम एंड हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप सभी अच्छे से होंगे आप लोग जहाँ जहाँ अल्लाह ताली आप सबको खैर व आफ़ियत और सलामती के साथ रखें आमीन सुम आमीन तो अभी मॉर्निंग का टाइम है जैसे आपको पता है मैं एक दिन बाद ही व्लॉग अपलोड करती हूँ ये संडे का व्लॉग है तो यहाँ पर जो है ना सारी मैंने मतलब अभी सुबह में मैं उठी थी आपको पता है संडे को सभी थोड़ा सा लेट ही उठते हैं खास तौर पे जो बेचारी मदर्स होती हैं ना उनको भी थोड़ा सुख का सांस आ जाता है तो वो भी चले एक दो घंटे लेट उठ जाती हैं तो मैं भी यहाँ पर ना नमाज़ पढ़ के सो गई थी सभी घर वाले सोए हुए थे तो मैंने सोचा कि मैं भी नमाज़ पढ़ के अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट देती हूँ तो यहाँ पर दस बजे का टाइम हुआ हुआ था इस टाइम पे तो सबसे पता है आपको पता है पहले उठते साथ ही जो है ना घर से एक ही आवाज़ आती है वो ये होती है कि भूख लगी हुई है भूख लगी हुई है मामा खाना कब मिलेगा और हस्बैंड भी उठते साथ ही कहते हैं कि कुछ खाने को बनाए ना भूख लग गई है तो यहाँ पर जो है ना मैं फिर किचन में आई थी और यहाँ पे कुछ था तो मेरा कुछ अलग से कुछ थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट बनाने का मूड बट वो थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि आज सुबह सुबह जो है ना काफ़ी जो है वो बैड न्यूज़ सुनने को मिल गई जैसे ही हम उठे तो मैसेज आया हुआ था तो वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ तो यहाँ फिर जो है ना मैं पहले मैंने सोचा चलो आज फिर लाइट सा ही नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि वो जो हैवी वाला ब्रेकफास्ट है ना उसका फिर मेरा थोड़ा सा इरादा कैंसिल हो गया था तो यहाँ मेरे पास जो है ना वो ब्रेड पड़ी हुई थी पहले से तो मैंने कहा चलो ब्रेड और ऑमलेट चीज़ ऑमलेट बनाते हैं और चीज़ वाला ही जो है ना बच्चों को भी मैं सैंडविच वगैरह बना देती हूँ साथ में जो है वो मैंने चाय रख दी थी ऊपर और चाय के अंदर एक गेंद जो मैं डालती हूँ ना इलायचियाँ और दालचीनी अब तो जो व्यूवर्स मुझे देखते हैं ना उनको तो पक्का पता चल गया होगा <laughs> क्योंकि आप भी फैमिली की तरह हैं जब व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं तो आपको भी आइडिया हो जाता है कि जो अगला बंदा उसकी लाइफ कैसी है तो यहाँ पर जो है ना आ, मैंने इसके अंदर जो है वो डाल दिए थे दार चीनी और इलायची डाल दी थी थोड़ी सी मैंने चीनी भी ऐड की थी मैं चाय जितना मर्जी हो जाए ना मुझे फीकी चाय नहीं पी जाती है घर वाले तो आ, मेरे हस्बैंड जो है वो तो इतनी चीनी अवॉइड करते भी नहीं हैं चाय में और बच्चे जो हैं वो भी फीकी चाय नहीं पीते हैं क्योंकि हम लोग कभी कभार चाय पीते हैं मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया हुआ है कभी ऐसे मूड हो ना जैसे आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो फिर कभी कभार हम चाय जो है ना वो बना लेते हैं तो फिर चीनी के बगैर दिल ही नहीं करता कि कभी कभार चाय पी रहे हैं वो भी चीनी के बगैर वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि चीनी अवॉइड करूँ मीठी चीज़ें कम ही खाऊँ तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि सुबह सुबह जो न्यूज़ मिली ना मेरी जो जेठानी है मेरी सिस्टर इन लॉ हैं सबसे बड़ी मतलब जो जेठानी है उनके जो है फ़ादर की डेथ हो गई और तो सुबह ही फिर हमें मैसेज रिसीव हुआ कि उनके जो है ना फादर की डेथ हो गई है तो बस उनके फादर ठीक ठाक ही थे लेकिन कहते हैं ना कि जब वक्त आ जाए तो आप चाहे ठीक हो कुछ भी कर रहे हो किसी भी काम में हो जब अल्लाह तला का आ जाता है वापसी का बुलावा तो फिर मतलब कुछ भी नहीं कहा जा सकता कोई नहीं हो सकती आगे से मुजाहमत नहीं हो सकती आपको है आपको जाना ही पड़ता है ज़ाहिर बात है ये दुनिया ऐसी ही है जो आया है उसने वापस जाना है ये अटल हकीकत है लेकिन हम कहते हुए डरते हैं हम अपने मुंह से हम अपने बारे में कभी ऐसा नहीं सोचते हैं हम दूसरों के बारे में सोच लेते हैं बट अपने बारे में जब सोचते हैं ना तो हम हमें बड़ा एक झुरझुरी सी आती है कि क्या हम लोगों ने भी चले जाना है इस दुनिया से क्या मैंने भी तो हम ये मतलब ना सोचते हुए भी डरते हैं ऐसी चीज़ों को सोचना भी नहीं चाहते हैं तो जब उनके सुबह ये मैसेज आया ना तो फिर काफ़ी थोड़ा सा मतलब आपको पता है मूड सैड सा हो जाता है बंदे का इस तरह की अफसरदा ख़बर सुन के और ख़ास तौर तो पर वालदान के बारे में क्योंकि वाल हो या वालदा हो दोनों जो है ना आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं वालद और वालदा से ज़्यादा कोई भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है जो आपका अच्छा चाह सकता है ना तो कोई बहन भाई ना कोई और ना कोई दोस्त यार पड़ोसी कोई भी नहीं वालिद और वालदा ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों की हर तकलीफ़ में ना सबसे पहले वो अपनी तकलीफ़ भूल जाते हैं लेकिन बच्चों की तकलीफ़ में उनकी कोशिश होती है कि हमारे बच्चों को कोई तकलीफ ना पहुँचे जब गिरते हैं तो यही वो हस्तियाँ होती हैं ना जो हमें सबसे पहले सहारा देती हैं अल्लाह ताला के बाद जो है ना माँ बाप का बहुत ज़्यादा वालदे की ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा किरदार होता है तो यहाँ मैं आपको थोड़ी सी रेसिपी बता दूँ यहाँ पे मैं ऑमलेट बना रही हूँ देसी वाला चीज़ ऑमलेट है तो मैंने थोड़ी सी गाजरें काट के रखी हुई हैं और थोड़ा सा जो है ना मैंने काटा हुआ है यहाँ पर बंद गोभी थोड़ा सा धनिया हरी मिर्चें और टमाटर तो ये जो चीज़ ऑमलेट है ना ये देसी वाला इसके अंदर जो है अगर आपका बंद गोभी और गाजर डालने का दिल नहीं है ना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं मतलब होता है ना कई लोग सब्जियां नहीं खाते हैं उनका बंद गोभी वग़ैरह नहीं होता है तो आप इसके अंदर खाली टमाटर हरी मिर्च और धनिया यह आप डाल के और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला था आ, मतलब ब्लैक पेपर भी आप ऐड कर सकते हैं बट मैंने चिली फ्लेक्स डाले थे और नमक डाला था और ये दो अंडे और मैंने इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया बस जिस तरह आप करते हैं नॉर्मली रूटीन में और मेरे पास चददर चीज़ पड़ा हुआ है और मैं चदर चीज़ के जो है ना स्लाइसिस इसके ऊपर लगा लूँगी तो ये बहुत अच्छा सा चीज़ ऑमलेट बन जाता है तो मेरे हस्बैंड को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत फूडिंग हैं उनको अच्छा अच्छा खाना बहुत पसंद है तो मेरे हाथ का जायका जो है ना उनको बहुत पसंद है शुक्र अलहमदिल्ला के वो कहते हैं कि आप के हाथ में बहुत जायका है मतलब कुछ भी वकालत तो जायका आ जाता है तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो है ना वो मेरे हाथ में जायका दिया हुआ है जिस जिसके हाथ में भी जायका दिया हुआ है अल्लाह की मेहरबानी होती है तो यहाँ उनका चीज़ ऑमलेट बन गया था और यहाँ वो खड़े हुए थे अपना जो है ना वो ऑमलेट लेने के लिए और आज जो है ना मैं साथ साथ ही नाश्ता बना के देती जा रही थी क्योंकि फिर ठंडा हो जाता है साथ साथ ही मैं ब्रेड के स्लइस गर्म कर रही थी और ये छुटकी जो है ना ये माशाल्लाह से इसने अपना नाश्ता कर लिया था और इसको बड़ा गु़स्सा लगता है जब मैं इसको छुटकी कहती हूँ ये कहती है कि मैं बड़ी बड़ी होना चाहती हूँ हाँ मैं आप मुझे छुटकी छुटकी क्यों कहती हैं <laughs> तो जब घर का सबसे छोटा बच्चा होता है ना माँ उसके लिए प्यार से ना बड़े नाम रख लेती है उल्टे सीधे जो वो बस उसको बड़ा प्यार आता है घर के सबसे छोटे बच्चे पे तो अभी तो छोटी यही है ये जितनी मर्ज़ी बड़ी हो जाएगी ना मतलब छोटे वाला बच्चा जितना मर्जी बड़ा हो जाए तो वो पता नहीं माँ उसको हक करके एक जब सी डाल के ना बस उसका दिल करेगा मैं इसको रखूँ तो यहाँ पे जो है ना मैं नाश्ता बना रही थी हादिया के लिए और हादिया कह रही थी कि मुझे जो है ना वो आप सैंडविच में ही लगा दें तो बस मैंने वही चीज़ें ऐड की थी गाजर बंद गोभी और वो सारा मटेरियल डाल के ना मैंने तो उसके अंदर ही मैंने चीज़ का स्लाइस रख दिया था और उसको मैंने सैंडविच बना दिया तो इस तरीके से आप बच्चों को बना के दे सकते हैं ये चीज़ सैंडविच हो गया चीज़ स्लाइसिस बहुत अच्छे लगते हैं तो यहाँ मैंने अपना नाश्ता कर लिया था और बस अब हम लोगों ने जो है ना वहाँ पर जाना था मतलब जो मैंने आपके साथ शेयर किया अपने जेठानी के जहाँ पर वहाँ पर वालिद उनकी डेथ हुई थी तो हम वहीं पर जा रहे थे बस रेडी होकर तो बस जो है ना इस टाइम पे टाइम बारह एक बजे का बारह बजे का सवा बारह बजे का टाइम हो चुका था और घर की सफ़ाई वगैरह क्लीनिंग तो मुझे टाइम ही नहीं मिला बस मैंने बच्चों को नाश्ता करवाया बस शावर लिया और रेडी हो गई मैं भी और मेरे हस्बैंड भी और मैंने सोचा चलो घर का काम वापस आके कर अभी और एक्चुअली में वालदेन जो होते हैं ना उनका लॉस ऐसा होता है कि इंसान मतलब बच्चे जो है ना उनके लिए वाले ऐसे होते हैं कि उनके बारे में कभी वो सोच नहीं सकते कि हमें छोड़ के जाएंगे हालाँकि जाना तो सभी ने है ना इस दुनिया से बट उनके साथ ऐसा बॉन्ड होता है ना बच्चों का कि जब उनके लिए दुआ मांगी जाती है ना कि अल्लाह अल्लाह इनको इतनी उम्र दे तो कभी कभी सोचते हैं अस्सी साल फिर हम कहते हैं नहीं नब्बे साल दे फिर सौ साल फिर दिल चाहता है कि ता हयात ही अपने साथ मांग लें इनकी उम्र के हमारे साथ सारी ज़िंदगी के लिए हमारे साथ रहें तो माँ बाप कभी भी जो है ना वो औलाद की ज़िंदगी से नहीं जाते हैं जाके भी वो उनको याद करते रहते हैं बच्चे ऐसा एक बॉन्ड होता है तो बस जी सभी जो है सभी लोगों ने दुनिया से जाना है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप दुआ कीजिएगा उनके लिए कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें उनके गुनाहों को माफ़ फरमाएँ और उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाएँ जो जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं तो आप ज़रूर जो है उनकी लिए दुआ मफ़रत कर दीजिएगा काइंडली तो यहाँ पर जो है बस ये माली वगैरह जो है ना वो घास में खाद वगैरह डाल के गया था और मैं अभी वापस आ गई थी और ना मैं जाने से पहले यहाँ पे ये पकौड़ियाँ भी घो गई थी क्योंकि मुझे पता था आते साथ ही भूख लग जानी है और सुबह बच्चों ने सिर्फ ब्रेड का ही नाश्ता किया हुआ है तो बच्चों ने जो है वो फिर खाना मांगना शुरू हो जाना और मुझे तो ख़ुद भी बहुत भूख लगी हुई थी और चने भी मैं उबाल के गई थी और किचन तो ऐसा फैला हुआ था ना कि आते साथ ही देख के मेरे तो होश उड़ गए थे मतलब छोड़ के तो मैं ऐसा गई थी लेकिन जब काम करना हो ना तब ज़्यादा होश उड़ते हैं तो यहाँ बच्चे भी कह रहे थे कि हमें भूख लगी हुई है और मैंने अपनी वीडियो भी अभी एडिट करनी थी बच्चों ने थोड़ी बहुत तो घर की साफ़ सफाई की थी बट तो आपको पता है बच्चों की सफाई किस तरह की होती है तो यहाँ पे जो है ना फिर हमें हमारे सामने वाले जो नेबर्स हैं ना उन्होंने भठूरे वगैरह लगाए हुए थे सामने उन्होंने कुछ ओपनिंग की थी अपनी शॉप्स वगैरह की तो यहाँ जी जनाब भठूरे आ गए थे और हमारी तो चांदी हो गई मेरा तो आगे कुछ पकाने को दिल नहीं चाह रहा था और दही भलियाँ अभी मैंने ना बनाई नहीं थी और यहाँ पे जनाब ये आ गए भटूरे और मगरिब का टाइम हो गया था इस टाइम पे तो मैंने कहा कि ये तो सबसे अच्छी चीज़ हुई है अल्लाह ताली कहते हैं ना आपको आपसे बहुत मोहब्बत करता है अल्लाह को पता है इस काज पकाने को दिल नहीं चाह रहा तो ये आगे सामने वालों के घर से ना भटूरे और उन्होंने तसली के साथ भेजे ये दस आए थे माशाल्लाह और हम चार लोग थे इतने तो हम लोग उससे खाए भी नहीं जाने थे दो चनों की प्लेट्स थी साथ में सैलड था तो हमने तो फिर जो है ना पेट भर के खाए और इस टाइम मगरिब का टाइम हो रहा था मैंने कहा मैं भी दो चार निवाले लगा लूँ पहले सब्र नहीं हो रहा था मुझसे ना तो मैंने कहा कि चलो इसको मैं खा लूँ फिर मैं साथ ही मगरब की नमाज़ पढ़ती हूँ तो बस फिर मैंने इस टाइम खाना नहीं बनाया और खाना जो भी मैंने बनाना था ना वो सारा कैंसिल वैंसल हो गया क्योंकि अब तो मगरब का टाइम हो गया था बच्चों ने काफ़ी पेट भर के खा लिए और मजे की बात देखें हमारे एक और नेबर के घर से हमें मिठाई भी आ गई आज तो मतलब चांदी ही गई ना कि मतलब एक तरफ से डिनर आ गया उसके बाद मीठे में भी आ गया मतलब सारा हमें खाना छाना जो है ना वो बाहर से ही आ गया नेबर्स की तरफ से और मेरी बेटी जो है ना वो कहती है मामा कितने अच्छे हमारे हमसाएँ हैं ना ऐसे हमसायें होने चाहिए शुक्र अलहमदुल्लह <laughs> मतलब बच्चों को खाने की चीज़ें मिलते रहे तो बच्चे हमसायों की तारीफ कर रहे थे तो चलें जनाब व्लॉग को एंड करते हैं मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा और अगर आप चूँ हैं ना चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा तो इनशाला नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़